दोस्तों सब्सक्राइब करें आरजे इन्फो चैनल को और बेल आइकन पर दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, सलाम, वेलकम। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरजे, आप सभी का स्वागत करता हूं आरजे इन्फो चैनल में और इंग्लिश बोलना सीखिए के डे 6 में, जहां पे हम बात करने वाले हैं कुड को लेकर के। CoULD, कुड। कुड का मतलब क्या होता है? क्या ये कैन के छोटे भाई हैं? क्या ये कैन के बड़े भाई हैं? जो मानना है आप मान लीजिए, भाई मानिए, बहन मानिए, जो भी मानिए मानिए मानिए, लेकिन मानिए, क्योंकि हम यहाँ पे इनको मनवा के रहेंगे। कुड का मतलब क्या है ये हम आपको बता के रहेंगे। कुड का मतलब क्या होता है, कैसे करते हैं यूज, चलिए इन पे करते हैं बात। तो कुड का मतलब क्या होता है? सका, सकी, सके। अगर कैन के बारे में बात करें दोस्तों, तो कैन का मतलब होता है सकता हूँ, सकती हूँ, वॉट एवर, या फिर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी वो वीडियो बनाया हुआ है, उसके मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए तो आपको पूरी आइडिया आ जाएगी कैन के बारे में। अब यहाँ बात करते हैं हम कुड के बारे में। कुड, तो कुड क्या है ये? ऑब्वियसली पास्ट है, पास्ट टू प्रेजेंट। देखिए कैसे पास्ट में कैसे होता है कि मैं ये काम कर सका, मैं काम कर सकता हूँ, मैंने बोला क्या, मैं ये काम कर सका, मतलब वो काम ऑलरेडी हो चुका है, मैंने ये काम किया, मतलब मैं ये काम कर सका, मैं उसको मिल सका, मैं शादी कर सका, मैं डॉक्टर को कन्वर्ट कर सका, मैं प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करवा सका। सका, सकी, सके। तो जो सका, सकी, सके पास्ट है, जो शो कर रहा है कि बड़ी मुश्किल से या फिर आप किस बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ वो काम करवा सके, बड़ी मेहनत के साथ आप उसको मिल सके, मतलब उस काम को करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ा ये खाली हमको पता है, लेकिन वो हम काम कर सके। सका, सकी, सके। मैंने उस चीज़ के लिए ट्राई किया, प्रयत्न किया, जोर लगा दिया और वो मैं काम कर सका। मुझे इंग्लिश के वीडियो बनाना था और मैं वीडियो बना सका और मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए मैं वीडियो बना सका, ऑलरेडी मेरे 5 वीडियो बन चुके हैं, तो मैं वीडियो बना सका और मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बना सका, बना सका मतलब कैसे, क्या बना सका, ट्राई किया, बोलना स्टार्ट किया और आप लोगों के सामने बना सका। तो ये क्या होता है? सका, सकी, सके मतलब ये काम हो सका, मैं उसको मिल सका, मैं शादी कर सका। मैंने ऑलरेडी ये गाना गाया हुआ है सका, सकी, सके के ऊपर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेन मुद्दे की कि ये सेंटेंस तैयार कैसे होंगे, सेंटेंस बनेंगे कैसे, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे सेंटेंस बनाएं। इसका रूल क्या है? हमको पता लग गया कुड का मतलब सका, लेकिन ये इसका मतलब रूल क्या है कि हम कैसे बनाएं सेंटेंस? अगर हमको सेंटेंस तैयार करना है कि मैं तुम्हारे दोस्त को मिल सका, मैंने क्या बोला दोस्तों, मैं तुम्हारे दोस्त को मिल सका, तो ये सेंटेंस हम कैसे तैयार करें? तो सिंपल है, पहले सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेट। अब आप कहेंगे सर एक्शन फर्स्ट फॉर्म, कैन के साथ भी एक्शन फर्स्ट फॉर्म, कुड के साथ भी एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ये क्या हुई बात? आप तो कह रहे हैं पास्ट, हमको तो सुनने में आया था कि जो चीज़ें होती हैं पास्ट में उसमें हम लगा देते हैं सेकेंड फॉर्म, ये क्या हो गया, ये कौन सी नाइंसाफी है सर, ये बराबर नहीं है सर। सर मत बोलिए, दोस्त बोलिए, भाई बोलिए, एक्चुअली मैं ही बोल रहा हूँ, मैं खुद को सर बोल सका, आया खुद को सर बोल सका। तो यहाँ पे कैसा है दोस्तों कि एक्शन फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे कुड ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या बड़ी बात हो गई, कुड आ गया तो मतलब क्या हो गया, अरे मैंने कहा ना कुड कैन के बड़े भाई हैं, तो कुड आने की वजह से क्या हुआ, एक्शन फर्स्ट फॉर्म आएगी। रूल क्या बोलता है कि अगर एक सेंटेंस में एक बार सेकेंड फॉर्म आ गया तब आपको उसके बाद तुरंत फर्स्ट फॉर्म लगाना ही है, तो आए समय में। तो कैन की सेकेंड फॉर्म क्या, कुड। अब आप कहेंगे सर कैन की सेकेंड फॉर्म कुड, तो आप कुड को बता रहे हैं सका, यस, इसको आप पकड़िए ना, हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करता है सेंटेंस को बनाने में, जैसे कि कैन हेल्प करता है किसी चीज को कर सकने में, कर सकता हूं, तो कुड कर सका। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने बताइए कौन सा वर्ड बोला था, वो कौन सा सेंटेंस था हिंदी में, बताइए, नहीं भूल गए क्या, अरे ऐसा मत करिए, भूल के कैसे होगा काम, मैं तुम्हारे दोस्त को मिल सका। तो मैं कौन, आई, सका, सकी, सके, कुड, ओके, आई कुड मिल, मिलना, मीट, आई कुड मीट, तुम्हारे मतलब योर, आई कुड मीट योर, दोस्त मतलब फ्रेंड, मैं तुम्हारे दोस्त को मिल सका। देखिए ऊपर क्या है, सब्जेक्ट कुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नीचे क्या दिया हुआ है, I could meet your friend। लेकिन अगर इसको हिंदी में देखेंगे ना, घुमाएंगे तो पूरा घूम जाएंगे, क्योंकि क्या होता है हिंदी में होते हैं मैं तुम्हारे दोस्त को मिल सका, तो सका जो होता है बाद वाला वो आता है पहले, तो
तो पिक्चर ऊपर नीचे होती है, तो इतना भी ना सोचिए, खाली इंग्लिश में जो वर्ड सेंटेंस जो बनेंगे वो आगे पीछे होते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे कैसे होता है कि जो सका जो लास्ट में आ रहा है साउंड में हिंदी के, वो क्या आ रहा है यहाँ पे पहले, आई कुड मीट योर फ्रेंड, मैं तुम्हारे दोस्त को मिल सका, फ्रेंड चला गया आखिर में, बराबर वो चला गया ऑब्जेक्ट में, तो मैं तुम्हारे दोस्त को मिल सका, आई कुड मीट योर फ्रेंड, सिंपल है। मैं मीटिंग अटेंड कर सका, आई कुड अटेंड द मीटिंग। मैं समय पे पहुंच सका, आई कुड रीच ऑन टाइम, मैं टाइम पर पहुंच सका। तो ये सका सकी सके, एक देखिए एग्जांपल और यहाँ पे कि मैंने कहा कि आपको वहाँ पे 10 बजे पहुँचना है, मैंने आप सभी से कहा कि आपको कल मेरे पास 10 बजे पहुँचना है, आप सभी लोग घर से निकल चुके, कोई 9:30 बजे पहुँचेगा, कोई 9:45 बजे आ जाएगा, और कुछ लोग जो बराबर शार्प 10 बजे पहुँचेंगे वो क्या बोलेंगे, थैंक गॉड समय पे हम पहुँच सके, बराबर समय पे हम पहुँच सके, वी कुड रीच ऑन टाइम। तो क्या हुआ, पास्ट में निकले प्रेजेंट में टपके। थोड़ा हंसी मजाक तो बनता है बॉस, वरना क्या होगा आप लोग बोर हो जाएंगे, और मुझे आप लोगों को बोर नहीं करना है, हंसते मुस्कुराते इंग्लिश बोलना सीखिए। तो दोस्तों ये हो गए पॉजिटिव, अब हम बात करते हैं यहाँ पे निगेटिव की। तो निगेटिव में कैसा होता है देखिए दोस्तों, सिंपल है, बस कुड के बाद लगा दीजिए नॉट, कुड नॉट। तो सेंटेंस कैसे बनेगा देखिए, पहले इसका रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट कुड नॉट प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो मेरा पॉजिटिव का सेंटेंस था, आई कुड मीट योर फ्रेंड, मैं तुम्हारे दोस्त को मिल सका, अगर मैं उसको निगेटिव में बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा बताइए दोस्तों, आप लोग बताइए ना, ठीक है मैं बताता हूं, आई कुड नॉट मीट योर फ्रेंड, मैं तुम्हारे दोस्त को नहीं मिल सका, आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम, मैं समय पे नहीं पहुंच सका, आई कुड नॉट गेट मैरी, मैं शादी नहीं कर सका। अब दोस्तों देखिए दूसरा सेंटेंस, आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, I could not reach on time. I could not convert the doctor for particular this brand. मैं इस brand के लिए डॉक्टर को convert नहीं कर सका. I could not crack the interview. मैं interview crack नहीं कर सका. मेरा selection नहीं हो पाया because मैं interview ही crack नहीं कर सका. तो I could not crack the interview. तो positive, negative. अब हम बात करते हैं यहाँ पे interrogative. प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए, could पहले आएगा, उसके बाद subject, उसके बाद एक्शन फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कुड यू मीट माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त को मिल सके। कुड यू क्रैक द इंटरव्यू, क्या तुम इंटरव्यू क्रैक कर सके। कुड यू गेट मैरी, क्या तुम शादी कर सके। वाओ नाइस फीलिंग ना। कुड यू कॉल द पुलिस, क्या तुम पुलिस को कॉल कर सके। कुड यू मीट माई सिस्टर, क्या तुम मेरी बहन को मिल सके। कुड यू सी माई मदर, क्या तुम मेरी मम्मा को देख सके। वॉट एवर, ये जो सेंटेंस बन रहे हैं ना, कुड मतलब ये क्या प्रश्नवाचक, सवाल उठते रहते हैं ना मन में, सवाल उठ रहे हैं, क्या वो कर सका, क्या वो मिल सका, क्या वो बात कर सका, क्या वो मार सका। ठीक है दोस्तों, तो आपको आइडिया आ गई होगी कुड के बारे में। अब ये कुड भाई साहब हैं, बहन है, कौन है, क्या है, आप लगा लीजिए उनका कोई भी रिलेशन, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे आपको खाली बोलने में लाना है कुड, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो कुड के बारे में मैंने आपको आइडिया दे दी है, बनाइए सेंटेंस, प्रैक्टिस कीजिए, बोलने में लाइए, क्योंकि जितना आप बोलेंगे उतना आप ही के लिए ईजी रहेगा बाकी की इंग्लिश सीखने में और बाकी की चीज़ें बोलने में, क्योंकि बोलने से ही आपका इंप्रेशन पड़ेगा अच्छा, शांत बैठने से कोई नहीं है फ़ायदा बच्चा। तो दोस्तों आपको अगर कुड को लेकर के कुछ हो रही होगी प्रॉब्लम, कुछ समस्या, तो मुझे डाल दीजिए कमेंट्स, अगर आपको कुछ समय में नहीं आ रहा है तो मैं उसका जवाब दे दूंगा, बस मुझे डाल दीजिए आप कमेंट्स। और बाकी के जो मेरे वीडियो बने हुए हैं डे 1, 2, 3, 4, 5, उन सारी वीडियोस की लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा तो आपको पूरी आइडिया आ जाएगी, उसमें कैन भी है वो भी देख लीजिए, समझ लीजिए और बोलने में प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।